गाइस, क्या सोच रहे हैं आप लोग? यही ना कि ये रील्स पर चल क्या रहा है, ये तो मैं भी सोच रही हूँ कई दिनों से। अगर आपने नहीं समझा तो ये वीडियो देख लीजिए। बच्चे से लेकर बड़े तक सभी इंस्टाग्राम पर अपनी चप्पलें साफ कर रहे हैं। किसी को कुछ अलग नहीं करना है, मतलब ऐसा डांस तो हमारे मोहल्ले का टॉमी भी कर लेता है। तेरी झलक शर्फी और अभी तो रुको, इस लिस्ट में व्लॉगर भी आ गए हैं। एक नजर जट भाई की स्टाइल पे भी मार लेते हैं। झुकेगा नहीं जट भाई, आपसे ये उम्मीद ना थी मुझे, आप तो व्लॉग करते हुए ही अच्छे लगते हो। ये जट भाई बर्फ को कहाँ ले जा रहे हैं? मानो या ना मानो, पीछे जितने भी गड्ढे दिख रहे हैं ना, ये सब इनका ही काम है। तुम्हारी स्माइल कितनी डेंजरस है पता है? मेरे पास दिल होता ना, तेरी स्माइल पे पक्का आ जाता। अच्छा, वो ये बता दिया, वरना मुझे तो पता ही ना होता कि फेफड़ों के भी सारे कोई जीता है। अब एक मिनट तो रुको, प्रियंका जी की हंसी भी देख लेते हैं। भाई आपके दिल का तो पता नहीं, लेकिन ये स्माइल देखिए ना, मेरा दिल तो जोर जोर से धड़क रहा है। पता नहीं लोगों को दूसरों की लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों होता है, मुझे तो खुद की लाइफ में भी इंटरेस्ट नहीं है। खुद की लाइफ में इंटरेस्ट कैसे होगा, आपका सारा इंटरेस्ट तो जट भाई लेकर बैठे हुए। देखो यार, मुझे पता है आप लोगों को मेरे वीडियो का इंतजार घंटा नहीं रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दूं। देखो यार, मन मार के देख लिया करो ये वीडियो, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए, और जो आपके सामने रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसे लात मारो या घुसा मारो, बस वो दब जाना चाहिए। सीरियसली, जट भाई ब्लॉग करते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ये सब वीडियो में मैंने जो भी बोला है वो सब एंटरटेनमेंट के लिए कहा गया है, तो आप लोग बस ये वीडियो देखकर एंजॉय कीजिए।